यातायात के नियमों का पालन करने की एसएसपी क्राइम ने की अपील। जनपद हरिद्वार में लोगों को यातायात का पालन बढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रखा है। एसएसपी को शहर और देहात में मॉडिफाइड साइलेंसर और बुलेटों से तेज आवाज करने वालों की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न, गलत नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी अभियान में हरिद्वार, ज्वालापुर, कनखल, बहादराबाद और सिरकुल के साथ साथ अन्य क्षेत्र में साइलेंसर से तेज आवाज निकालने, मॉडिफाइड साइलेंसर व यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कई बुलेट मोटरसाइकिल सीज कर चालान किया गया है, जबकि अन्य कोतवाली और थानों में भी दर्जनों चालान किए गए। इस अभियान का कुछ जगह अभिभावकों द्वारा विरोध भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर एसपी क्राइम यातायात रेखा यादव ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। हरिद्वार में एसएसपी के निर्देश पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। मैं अपील करती हूँ, कार्रवाई का विरोध करना सही नहीं है। मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन का प्रयोग, इस पे अंकुश लगाए जाने की प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में हमारे द्वारा भी जनपद स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सेक्शन 199A MV एक्ट के तहत 25,000 चालानी धनराशि है, वह अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई भी है। हमारे द्वारा समय समय पर अपील की गई है अभिभावकों से कि बच्चों को, नाबालिग बच्चों को वाहनों का प्रयोग ना करने दें, परंतु अभिभावकों द्वारा पुलिस के साथ उलझा जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो मेरी अपील है अभिभावकों से कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वह अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से वाहनों का प्रयोग ना करने दें, क्योंकि ये ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है और आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए भी है, बहुत जरूरी है।